Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to fauji banega India. Download the MKC learning app and fulfill your dreams. Jai Hind and good morning प्यारे बच्चों, मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सबका MKC के official YouTube channel पर एक physics के exciting new chapter के साथ जिसका नाम है friction. तो I hope कि ये चीज़ें जो हम आज सीखने वाले हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग बेसिकली मतलब डेली लाइफ की यूज़ के साथ सीखेंगे और जितनी भी सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तो यहाँ हम ये सीखेंगे कि फ्रिक्शन का यूज़ क्या होता है, फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या है, और इन सब सारी चीज़ों के साथ हम लोग आज सीखेंगे एक नया चैप्टर, एक बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर जिसका नाम हम लोगों ने क्या है, फ्रिक्शन. तो ये फ्रिक्शन का जो वर्ड मीनिंग होता है बच्चों, ये क्या है, क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट इन ओपिनियन. तो ये तो इंग्लिश की बात हो गई, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे, रबिंग अगेंस्ट. ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम ऑफिशियली फ्रिक्शन की बात करते हैं, जब हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, मतलब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष चलती है या फिर गति की अवस्था में होती है, तो वहां पे एक बल ऐसा कार्य करता है, एक ऐसा बल कार्य करता है जो उन दोनों के सापेक्ष गति को या फिर रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है. वही हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोग दो चीजें सीखेंगे फ्रिक्शन के बारे में. ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों का यह हो जाता है कि इट ऑलवेज एक्ट्स इन there is a small point over here. ठीक है, मैं add on कर देता हूं. It always acts in opposite direction of motion in absence of any external force. मतलब कि घर्षण बल सदैव गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है यदि पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है. है ना बच्चों, तो फ्रिक्शन के बारे में जब हम बात करें, तो मैंने ये कंडीशन इसलिए लिया ताकि हम यहां पे देख पाएं कि फ्रिक्शन का जो काम है वो कैसे होता है. ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि फ्रिक्शन कोई भी ऐसा फोर्स है जो जनरली क्या करता है, सामान्य रूप से क्या करता है, किसी भी वस्तु की मोशन कंडीशन को, मतलब गति की अवस्था को रोकने की कोशिश करता है. ठीक है, लेकिन यहां पे दो चीजें आती हैं पिक्चर में, दो चीजें जेहन में आती हैं. पहली चीज ये होती है कि जब हमारा पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो. है ना, अब जैसे कि उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, ग्राउंड पे, और इसने एक गोल ऐसा राउंड सर्कुलर पहिया पकड़ रखा है. ठीक है, अच्छा, अब ये बच्चा क्या करेगा कि यहां से कोई एक फोर्स लगाएगा. ठीक है, बच्चा यहां से कोई एक फोर्स लगाएगा. तो जब ये फोर्स लगाएगा बच्चों, तो फोर्स लगाने के बाद ये पहिए को धक्का देके छोड़ देगा. क्या करेगा, पहिए को धक्का देके छोड़ देगा. छोड़ने के बाद बेसिकली क्या होगा कि ये पहिया लुढ़कना चालू करेगा. ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर इस बच्चे ने इस पहिए पे फोर्स लगा के इसको लुढ़का के छोड़ दिया, तो बेसिकली क्या होगा कि ये पहिया लुढ़कता हुआ जाएगा. कुछ देर लुढ़कने के बाद वो रुक जाएगा. ठीक है, तो क्या ऐसा है कि बच्चे ने लगातार उसके ऊपर फोर्स लगाया है, लगातार उसके ऊपर बल लगाया है? ऐसा नहीं है. ठीक है, बच्चे ने क्या किया, एक बार उसके ऊपर फोर्स लगाया और छोड़ दिया, तो उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है. तो जब बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो उस पर बाह्य बल कितना बच्चों, जीरो. बाह्य बल कितना, जीरो. जब बाह्य बल इसके ऊपर जीरो हो जाता है, तो होगा क्या कि इस पर जो घर्षण की दिशा होगी, जो घर्षण बल की दिशा होगी, वो पिंड के, मतलब ये जो गोला है, इसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करेगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये पिंड, ये जो गोला है, इस दिशा में गति कर रहा है. ये कैसे जा रहा है बच्चों, इस दिशा में जा रहा है.
तो इस पे जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा या फिर लगने वाला घर्षण बल होगा वो होगा कहाँ हमारा, पीछे की दिशा में। तो ये चीज आप लोग जान लीजिए कि अगर कोई बोलता है कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके, और विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, तो ये पर्याप्त नहीं है। अगर कोई बोले कि जो घर्षण बल होता है वो किसी भी पिंड की गति को रोकने का काम करता है तो वो सही नहीं है। हमें दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा कि पिंड पर क्या कोई बाह्य बल लग रहा है या फिर बाह्य बल नहीं लग रहा है। तो जब बाह्य बल लगेगा तो अलग केस हो जाएगा, और जब बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, जब बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो अलग केस हो जाएगा। तो यहां पे जो मैंने कंडीशन देखी है वो क्या देखी है कि जो पिंड है पिंड पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। तो जब बाह्य बल नहीं कार्य करेगा बच्चों तो पिंड जिधर भी जाएगा उसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स को एक छोटे एफ से लिखते हैं, हम लोग इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं और यही हो जाता है हमारा क्या, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे हमारे बाकी के बल होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, फिर विद्युत चुंबकीय बल हो गया, तो वो सारे बल क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्या हैं, सदिश राशियां। तो सदिश राशियां हैं, वैसे ही जो हमारा घर्षण का बल होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो भी हमारा क्या रहेगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, तो हम लोगों ने पहला केस यही देखा है, पहला केस हम लोगों ने यही देखा है कि जब पिंड पर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है, जो घर्षण का बल है, वो विपरीत दिशा में कार्य करेगा। काम खत्म, बात समझ में आई, चलें आगे क्या, चलो चलो देखते हैं आगे वाला पॉइंट। ठीक है, यहां पे बच्चों आप लोग देख पाओगे कि मैंने लिखा है कि फ्रिक्शन फोर्स इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब घर्षण बल पिंड पर लगने वाले बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है, जो गति पर निर्भर नहीं करता। तो यहां पे हम लोग ऐड कर लेते हैं गति की दिशा, द मोर करेक्ट वे है ना, ज्यादा सही रहेगा ये। तो अब यहां पे देखो कि मैंने जो लिखा, इट ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कि अगर पिंड पर कोई भी बाह्य बल कार्य कर रहा है, क्या हो रहा है, कोई भी बाह्य बल कार्य कर रहा है, तब लगने वाला घर्षण बल क्या करेगा, बल की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जमीन पे चलते हैं, ये एक प्यारा सा पैर बना हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि जब हम लोग जमीन पे चलते हैं तो बेसिकली होता क्या है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा रेफरेंस ड्रॉ करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऑल राइट, तो जब हम लोग जमीन पे चलते हैं बच्चों तो बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, हम लोग एक्चुअली जमीन को पीछे धकेलते हैं। क्या करते हैं, जमीन को पीछे धकेलते हैं। ऐसे देखा नहीं क्या, ऐसे चलते ना हम लोग, तो ऐसे ऐसे इसको पीछे, जमीन को पीछे ऐसे धकेलते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, जमीन पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, जमीन पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक, तो ये वाले डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो फ्रिक्शन होगा वो लगने वाले बल के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। मतलब कि हम लोग चल रहे हैं जमीन पर, ठीक है, हम लोग जमीन पर चल रहे हैं तो हमारी तो चलने की दिशा ये हो गई ना, ये क्या हो गया हमारा, गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया तो हम लोग आगे जा रहे हैं और फ्रिक्शन भी कहां लग रहा है, आगे। कितने जन सोच रहे हो पीछे, हा? ऐसा लग रहा है क्या कि पीछे लगेगा,
अगर ऐसा आप लोगों ने सीखा है तो ये सही नहीं है, है ना। होता क्या है कि जब हम जमीन पे चलते हैं तो जब हम जमीन पे आगे की तरफ जा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी हमारा आगे की तरफ ही लग रहा है। क्लियर? ठीक है। कारण यह है कि जब हम लोगों ने जमीन पे चलना स्टार्ट किया, जब हम लोगों ने धरती पे चलना प्रारंभ किया, तो हम लोग क्या करते हैं, धरती को पीछे धकेलते हैं। लेकिन होता क्या है कि धरती तो बहुत भारी, हम लोग कहां, मतलब उसकी धूल के बराबर भी नहीं है वैसे देखा जाए तो होता क्या है कि हम लोग धरती को पीछे नहीं धकेल सकते। क्यों? क्योंकि धरती का द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा है। तो जब हम लोग धरती को पीछे नहीं धकेल सकते तो होता क्या है कि धरती हमें आगे धकेल देती है। बढ़िया बच्चों, तो हम लोगों ने यह चीज सीखा कि जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन भी हमारा आगे की तरफ लग रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लोग फिर से समझने की कोशिश करें, दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो मैं क्या करता हूं कि एक छोटा सा यही एग्जाम्पल को एक्सटेंड करता हूं, और ये रहेगा हमारा, मान लो कि ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये हम चल रहे हैं। ठीक, ये हम चल रहे हैं। तो अगर हम लोग चल रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन की दिशा तो ये होगी ना, ये हो जाएगी हमारी क्या, गति की दिशा, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां पे लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक। अच्छा, जब हम चल रहे हैं तो पीछे की तरफ मैंने फोर्स लगाया F, पीछे की तरफ क्या लगाया मैंने, फोर्स लगाया F। अब बच्चे बोलोगे कि सर फ्रिक्शन भी पीछे लगा दो। चलो भैया, फ्रिक्शन भी हम लोगों ने कहां लगा दिया, पीछे। अब क्या होगा कि ये दोनों के दोनों बल तो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो आगे कोई है क्या बैलेंस करने के लिए, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो यहां पे कुछ है क्या बैलेंस करने के लिए। तो भैया कुछ नहीं है यहां पे, क्या है, कुछ नहीं है। तो क्या होगा, हम लोग धड़ाम से गिर जाएंगे, नहीं चल पाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि चिकनी सतह रहती है ना, जैसे कि जमीन पे कीचड़ उचड़ गिरा है, पानी गिरा हुआ है, तो हम लोगों का फिसलने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पे ये फ्रिक्शन घट जाता है। क्या होता है, फ्रिक्शन घट जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो फ्रिक्शन का फोर्स रहेगा बच्चों, ये फ्रिक्शन का फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर की दिशा में। तो वैसे ही क्या होता है कि जब ये चिकनी सतह हो जाती है ना तो फ्रिक्शन कम लगता है, जब फ्रिक्शन कम लगा तो हम लोग गिर गए। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि आप जमीन पे दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारा एक बदमाश दोस्त क्या करता, बीच में ऐसे पैर फंसा दे, बीच में क्या करेगा, पैर फंसा देगा। मतलब कि तुम तो दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, यहां पे कुछ फोर्स लगा के तुम दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारा जो दोस्त है जिसका नाम है फ्रिक्शन, वो भी उसी के डायरेक्शन में लंगड़ी लगा दे, पैर फंसा दे, तो होगा क्या, हम लोग धड़ाम से गिर जाएंगे। इसीलिए जो फ्रिक्शन है, जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है, मजा आया क्या, बहुत जन ने तो गलत सीख रखा होगा यार। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब पांचवी छठवीं क्लास में पढ़ता था ना, तो मेरे टीचर ने भी ऐसे बताया था, हम लोग चलते हैं तो घर्षण पीछे लग रहा है, अब बाद में पता चला नहीं ये तो उल्टा है कि नहीं। ऑलराइट, तो ये चीज समझ लेना कि इस पे डायरेक्शन का मतलब फ्रिक्शन का जो घर्षण बल है उसकी दिशा क्या होगी। चलो अगली बात, अगर मान लो कि ये सतह पूरी की पूरी चिकनी हो जाए, सतह क्या हो जाए बच्चों, पूरी की पूरी चिकनी हो जाए, चिकनी सतह हो जाए, मतलब वहां पे घर्षण नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है ये हम लोग थोड़ी देर के बाद सीखेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली बच्चों दो पॉइंट सीखे हम लोगों ने। पहला पॉइंट ये सीखा कि अगर कोई भी वस्तु गतिमान है,
कोई भी वस्तु गतिमान है तो घर्षण उसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा, मतलब जिधर भी गति हो रहा है उसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा यदि पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा है। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट बदल जाता है, दूसरे वाले डेफिनेशन में कॉन्सेप्ट हमारा बदल जाता है। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं किसी भी पिंड पर, किसी भी वस्तु पे जब फोर्स लग रहा है तो लगने वाला घर्षण बल पिंड के विपरीत, मतलब पिंड पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। बढ़िया, चले के आगे। चलो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लूं, है ना। मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे एक आनत समतल है जहां पर हमारा एक मास रखा गया है m, जो जमीन से कुछ कोण बना रहा है। मान लो धरती से कितना कोण बना रहा है बच्चों, थीटा, है ना। अब देखो यहां दो चीजें होंगी, यदि पिंड नीचे आएगा, पिंड कहां जा रहा है भाई, नीचे जाने दो, तो जब पिंड नीचे जा रहा है तो घर्षण बल कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे जो mg लगा था ना, ये क्या लगा था हमारा mg, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा इधर लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, mg sin थीटा, और ये होता है हमारा क्या, mg cos थीटा। ये cos थीटा sin थीटा सीख लेंगे, है कि नहीं। तो ये जो बच्चों mg sin थीटा है, तो यही mg sin थीटा इसको खींच के ले आने की कोशिश करता है। तो जब इसको खींच के नीचे ले आने की कोशिश करता है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स विल हैव अ टेंडेंसी टू एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये ऊपर की दिशा में कार्य करेगा। ये तो पहला केस। दूसरा केस क्या है कि अगर मान लो, है ना, यही चीजें रहेंगी ठीक। अगर मान लो ये मेरा जो पिंड है, जो बॉडी है, जो ब्लॉक है, मैं ना इसको पकड़ के ऊपर खींच के लेके जा रहा हूं। कहां लेके जा रहा हूं भाई, ऊपर, घर लेके जाएंगे इसको, है ना। तो मैंने क्या लगाया इस पे, फोर्स लगाया। तो अब ये कहां लग रहा है फोर्स, ऊपर की ओर। तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स रहेगा कहां लगेगा, नीचे की ओर। मतलब जब ये नीचे जा रहा है तो ऊपर, और ऊपर जा रहा है तो नीचे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें समझ में आई होगी। हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में, और यहां पे हम देखेंगे कि जो फ्रिक्शन होता है ना, जो फ्रिक्शन होता है वो कितने टाइप का होता है, जो फ्रिक्शन होता है ना वो कितने टाइप का होता है। तो पहला क्या है हमारा, ये है हमारा जो पहला पॉइंट है, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण। तो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नो मोशन, मतलब यहां पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन ये पार्शियली सही है, क्या है, पार्शियली सही है। ये सही तब नहीं है जब तक कि इसके ऊपर कुछ कंडीशन न लगाया जाए, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं ना बच्चों, कि देखो एक ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, उसके ऊपर हम लोगों ने एक द्रव्यमान रख दिया, एक हम लोगों ने क्या रखा, द्रव्यमान रखा, और ये हो गया क्या हमारा मास, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि फ्रिक्शन कब लगेगा, जो घर्षण बल होता है ये कब लगेगा। तो पहला पॉइंट बोलता है कि जब वस्तु गतिमान हो, मतलब कि जब ये बॉडी मूव कर रही है तब फ्रिक्शन लगेगा। तो क्या ये बॉडी मूव कर रही है, नहीं कर रही है, तो फ्रिक्शन कहां से लगेगा, नहीं लगेगा। चलते हैं दूसरे पॉइंट के पास। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि अगर पिंड के ऊपर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है, पिंड के ऊपर कोई भी बाह्य बल कार्य कर रहा है तब फ्रिक्शन लगेगा। तो क्या यहां पे फ्रिक्शन, सॉरी, कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है क्या, कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब इस पे बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, मतलब कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है।
फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कब, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो लगेगा कब, इसको समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा हम लोगों ने एक प्लेन ड्रॉ किया और यहां पे मैंने ना एक मास रख दिया और ये मास ऐसा रखा हुआ है कि ये प्लेन थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसे, और ये मास वहीं पे रुका हुआ है, ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो जब ये नीचे ऊपर नहीं जा रहा है मतलब क्या है ये, कि ये रुका हुआ है। कौन सा केस हो गया भाई, रेस्ट, मतलब विरामावस्था की कंडीशन हो गई। तो जब विरामावस्था की कंडीशन हो गई तो पहले वाले डेफिनेशन के हिसाब से इस पे घर्षण बल लगेगा नहीं। जब इस पे घर्षण बल नहीं लगेगा तो होगा क्या, तो अभी मैंने बताया था ताजा ताजा कि यहां पे जो mg नीचे की तरफ लगेगा, इधर की तरफ होता है हमारा क्या mg cos थीटा, और इधर की तरफ लगता है हमारा क्या mg sin थीटा। तो बच्चों देखोगे अब यहां पे तो इधर की तरफ नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg sin थीटा, क्या लग रहा है इस पे mg sin थीटा। लेकिन जब इस पे mg sin थीटा लग रहा है तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने पहले ही कंडीशन लगा दिया है क्या, ये रेस्ट में है, विरामावस्था में है। तो भले ही ये विरामावस्था में है लेकिन कुछ ना कुछ उस पर बल लग रहा है। अब ये जो बल लग रहा है वही फ्रिक्शन बल होगा। तो ये यहां पे रेस्ट कंडीशन में है फिर भी जो फ्रिक्शन लग रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं एफ ऑफ एस, इसको लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर इसको और दूसरा नाम देते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो तीसरा वाला है इसको बोलते हैं हम लोग एफ आर, रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे देखो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक को ही इन लोगों ने स्लाइडिंग लिख रखा है, तो आई ऑल्सो विल राइट दैट एज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो कौन सा घर्षण, गतिक घर्षण। और लास्ट वाला हमारा कौन सा है, लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण मतलब जहां पे कुछ चीजें लुढ़क रही हूं, है ना, ठीक है। अच्छा तो ये देखो ये जो सारी चीजें हैं बच्चों, इसके साथ एक छोटी सी कंडीशन है जो मैं लिखना चाहूंगा कि अगर ये सारे फ्रिक्शन की बात करते हैं हम लोग ना, सारे फ्रिक्शन की बात करते हैं तो यहां पे एक छोटा सा कंडीशन ये है कि ये जो म्यू एस होता है ना बच्चों, ये सबसे बड़ा होता है, उसके बाद नंबर आता है म्यू के का, और उसके बाद नंबर आता है किसका, म्यू आर, किसका, म्यू आर। मतलब सबसे ज्यादा कौन हो गया, स्थैतिक घर्षण, उसके बाद कौन हो गया, गतिक घर्षण, और उसके बाद कौन सा हो गया, लोटनिक घर्षण। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे ये जो गोल सा पहिया जैसा दिख रहा है ना, ये लुढ़केगा, और हमें पता है कि जो गोल चीजें होती ना लुढ़कती बड़ी आसानी से है, है ना। अब जैसे कि हम लोगों को पढ़ाया गया है कि जो पहिए का आविष्कार था बहुत ही क्रांतिकारी खोज था, पहिए का आविष्कार इंसानों की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी खोज था, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि पहिए से बहुत सारे काम आसान हो गए। नहीं तो अगर आसान नहीं होता, ठीक है, अगर आसान नहीं होता तो क्या होता, क्या देख पा रहे हो, अगर पहिया गोल ना हो करके, पहिया गोल ना हो करके चौकोर होता, ठीक है, तो माथा वाथा फूट जाता, समझे, ऐसे ही जिंदगी हो जाती एकदम, ऐसे इससे अच्छा गधा पे बैठ के चल लेते हम लोग, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है कि मतलब जो सर्कुलर व्हील है या फिर जो भी गोल चीजें हैं, बॉल बेयरिंग है जिसको गांव में बैरिंग बैरिंग बोलते हैं ना, वो एक्चुअली बैरिंग नहीं होता है, बॉल बेयरिंग होता है, ठीक है, तो बॉल बेयरिंग होता है, तो इसीलिए बॉल बेयरिंग लगाया जाता है कि ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और ताकि घर्षण कम हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था चीज को समझने के लिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील इन अ नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। अगर गोल पहिए ना हो, चौकोर पहिए हो, तो जिंदगी खराब हो जाएगी भाई, माथा था फूट जाएगा, हाँ, कोई बैठना चाहेगा ऐसी गाड़ी में,
कभी नहीं, है ना। चलें आगे। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या है कि जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा जो है, सॉरी मैंने यहां पे एफ लिखना था, मैंने कुछ गलती लिख दिया यार। ओके, आई विल जस्ट चेंज इट आउट। यहां पे जो था ये एफ एस रहेगा, ये एफ के रहेगा और ये रहेगा हमारा क्या, एफ आर। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये सीखा कि जो भी फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन तीन टाइप का होगा। एक होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन और तीसरा होगा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। मैं जस्ट थियोरेटिकल चीजें बता रहा हूं, मैं अभी मैं न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा हूं। ऑल राइट बच्चों, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन होता क्यों है, फ्रिक्शन होता क्यों है। तो ये हम लोगों ने कॉमन सेंस देखा है ना। साइकिल चलाना होता है ना, तो उबड़ खाबड़ में चलाते हो कि बराबर पे, बराबर पे, है ना। मजा आता है चलाने में, क्यों मजा आता है, क्योंकि मेहनत कम करनी पड़ती है कि नहीं। तो देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक तो कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, ओल्ड थियरी, ओल्ड थियरी, और दूसरी क्या है हमारी, मॉडर्न थियरी, मॉडर्न थियरी। तो ये जो पुरानी सिद्धांत है ना, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हो, पुराना सिद्धांत और नया सिद्धांत। तो ये जो पुरानी वाली थियरी थी ना बच्चों, तो उसमें क्या कहा गया कि जब कोई भी दो सतह एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी दो सतह जब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं ना, तो दोनों में उबड़ खाबड़ रहता है। क्या रहता है, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अनइवन, ऑड नहीं बोलेंगे, अनइवन बोलेंगे। तो क्या होता है कि वो बराबर नहीं होता है, समतल नहीं होता है। तो जब समतल नहीं होता है, तो ओल्ड थियरी ने बताया क्या, ये जो पुरानी वाली थियरी थी ना, इसने बोला कि वो जो उबड़ खाबड़ रहता है ना, फंस जाता है। अब फंसने की वजह से वो अटक जाता है, अटकने की वजह से वो नहीं चल पाता है, और इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, फ्रिक्शन। तो पहला चीज हम लोगों ने ये देखा बच्चा कि ये जो खुरदुरापन है, व्हाट इट इज, रफनेस, रफनेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, रफनेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये तो पुरानी थियरी हो गई, ये तो कॉमन सेंस, हम लोग भी बचपन में ऐसा सोचते थे कि जब ज्यादा उबड़ खाबड़ है ना, तो फंस जाएगा, नहीं चल पाएगा, है ना, इसीलिए चिकनी सतह चाहिए। अच्छा चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के पास, जो हमारी मॉडर्न थियरी है। क्या है, मॉडर्न थियरी। तो मॉडर्न थियरी क्या बोलती है ना बच्चों, कि ये जो फ्रिक्शन है वो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच का इंट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब अणुओं के बीच का, अणुओं के बीच का जो बल लग रहा है ना, वही हमारा क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है। अगर इसे हम समझने की कोशिश करें, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो बच्चों देखो, जो गोल गोल दो मॉलिक्यूल बने हुए हैं, तो उनके बीच में भी ऐसा गैप है, ऐसा गैप है कि नहीं है, और ऊपर से ऊपर में भी ऐसा ही गैप है। तो क्या होता है कि यहां पे पूरी की पूरी सतह फंस रही थी, लेकिन मॉडर्न थियरी में बोला गया नहीं भैया, पूरी सरफेस नहीं, पूरी सतह नहीं, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ही एक दूसरे को रोकते हैं। क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स ही एक दूसरे को रोकते हैं। तो ये हो गई हमारी ओल्ड थियरी और ये हो गई हमारी क्या, नई वाली थियरी। तो ये हो गया हमारा किसका बात, हम लोगों ने बात कर लिया खुरदुरापन का। अब हम लोग चलते हैं एडहेशन के सबक। एडहेशन मतलब ससंजक बल और असंजक बल, है ना। तो ससंजक बल और असंजक बल हम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, अगर नहीं सुना है ना, सुन लो। देखो ससंजक का मतलब क्या होता है कि समान तरह के पदार्थ के, समान तरह के पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला बल, अणुओं के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है। और वही जब दो विभिन्न अणु हो गए, विभिन्न अणु हो गए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, असंजक बल। तो यहां क्या होती है ना बच्चों,
एक दूसरा मीडियम है और दूसरा वाला अलग मीडियम है। ये मान लो कि रोड हो गया, ये तुम्हारा टायर, ये सड़क हो गई और ये तुम्हारा साइकिल का टायर, ये रोड हो गया तुम्हारा ये बाइक का टायर हो गया। अब इसमें क्या होता है कि टायर और रोड के बीच के मॉलिक्यूल में एडहेसन फोर्स लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगेगा, असंजक बल लगेगा। तो जब ये असंजक बल लगेगा तो वो पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, तो पकड़ने की कोशिश करता है तो यही क्या होता है हमारा एक तरह से घर्षण को उत्पन्न करने का काम करता है। ऑल राइट बच्चों, अच्छा तो जब ये घर्षण को उत्पन्न करने की कोशिश करता है ना, तो क्या होगा कि किसी भी बॉडी को ये रोकने की कोशिश करेगा, ये इसको पकड़ के रोकने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से ये बॉडी रुकने लगती है। जब रुकने लगती है तो हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन चाहिए, मतलब फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो ये किसकी बात हो गई हमारे बच्चों, एडहेसिव फोर्स की, या फिर एडहेसन या फिर असंजकता। ऑल राइट, अच्छा अब दूसरी चीज हम लोग ये भी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फेविकोल खरीदने जाते हैं ना पेपर चिपकाने के लिए, गत्ता वत्ता चिपकाने के लिए, या फिर जिसको गांव में हम लोग बोलते हैं कि सुलेशन, वो पंचर चिपकाने वाला करता है ना, सॉल्यूशन यूज करता है, ठीक है, तो सुलेशन नहीं होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जब तुम लोग सॉल्यूशन के रैपर में पढ़ोगे, वो उसका जो कवर होता है ना, उस पर लिखा रहता है क्या, एडहेसिव, क्या लिखा रहता है, एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है कि दो विपरीत, दो अलग अलग सतहों को चिपकाने वाला, तो ये लिखा रहता है, ये कॉमन सेंस की चीज है, यही सब बताऊंगा क्या मैं आप? चलो अच्छी बात, तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीख लिया, एक ओल्ड थियरी और एक नई वाली थियरी, ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला, क्या, डिफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, डिफॉर्मेशन मतलब विकृति, है ना। अब देखो साइकिल का पहिया, जो मैंने अभी अभी एग्जांपल दिखाया था, वीडियो दिखाया था, छोटा सा क्लिप दिखाया था, अगर वो पहिया गोल की जगह चौकोर हो जाए, है ना, या फिर तुम्हारा साइकिल का रिंग कैसा रहता है, साइकिल का रिम तुम्हारा गोल रहता है, अब मान लो किसी ने चपटा कर दिया ऐसे, क्या चला पाओगे, मजा आएगा क्या, नहीं आएगा। तो होता क्या है कि जब उसमें विकृति हो गई, उसमें डिफॉर्मेशन हो गया, तो भी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, होगा क्या कि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। ऑलराइट बच्चों, तो ये तीन चीजें हैं, ये जो तीन फैक्टर हैं, ये क्या करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स को वैरी कराते हैं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स को प्रभावित करेंगे। ऑलराइट फाइन, चलें आगे, सो लेट्स गो। अच्छा देखा जाए क्या इसको क्या हो रहा है, तो देखो तुम लोगों के लिए ना एक बढ़िया सा साइकिल लेके आया हूं मैं, जिसको जिसको चाहिए वो ले लो, हाँ चलो। तो हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ इज फ्रिक्शन ऑन अ साइकिल व्हील, मतलब साइकिल के पहिए पर घर्षण कैसे काम करता है, ये देखेंगे हम लोग आज, है ना। तो नोटिस करने वाली चीज ये है बच्चों कि ये जो साइकिल का पहिया है, मतलब साइकिल का पैडल, पहिया नहीं हो गड़बड़ा गया हम, साइकिल का जो पैडल है, ये पैडल आगे वाला चक्का से जुड़ा है कि पीछे वाला, तो भैया ये तो पीछे वाले से जुड़ा है, आगे वाला पहिया ना स्वतंत्र है, क्या है, स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। मान लो कि साइकिल जब आगे जा रही है, ये क्या हो गई हमारी साइकिल के जाने की दिशा, साइकिल के जाने की क्या हो गई भाई, दिशा, ठीक। तो ये पहिया भी तो इधर ही जाएगा, है कि नहीं, ये पहिया कहां गया बच्चों, दाहिने साइड गया। तो जब इस पहिया आगे जाने की कोशिश कर रहा है, जब ये पहिया आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्या होगा हमारा, फ्रिक्शन फोर्स, क्या लगेगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स। तो साइकिल का आगे वाला चक्का आगे गया, फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे, सेल्फ अंडरस्टूड है, दिमाग नहीं लगाना है। अब चलते हैं पिछले वाले चक्का के पास, तो जब पिछले वाले चक्के के पास चलेंगे बच्चों, तो देखो मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, क्या लगाया, जोर से ना पैडल मारा, जोर से हम लोगों ने पैडल मारा, तो क्या होगा, हम लोगों ने फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने के बाद क्या होता है कि ये जो चेन होता है ना, चेन,
चेन का काम क्या होता है कि जो फोर्स हम लोगों ने पैर से ये गियर के ऊपर दिया है ना, वो चेन उस फोर्स को लेके जाता है कहाँ? पीछे। क्योंकि जब हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, जब हम बल लगाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोमेंट या फिर बल आघूर्ण। तो यहाँ पे बल आघूर्ण बन जाएगा, या फोर्स कपल बन जाएगा, या फिर टॉर्क बन जाएगा। दैट टॉर्क गेट्स ट्रांसफर टू द रियर व्हील, वो पीछे वाले पहिए के पास पहुंच जाता है। तो बच्चों देखो क्या हुआ, ये फोर्स जब यहां पहुंचा ना, तो यहां पहुंचने के बाद तिरी से होके, वो जो तिली होती है ना, स्पोक्स बोलते हैं उसको, तिरी तिरी नहीं बोलते, तिली बोलते हैं। तो जब तिली के थ्रू क्या आ जाएगा, ये जो फोर्स होगा वो कहां लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। कहां लगेगा बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स जो इस पे लगेगा, वो सॉरी जो हम लोगों ने फोर्स लगाया, वो फोर्स कहां लगा? पीछे की तरफ लगेगा। ठीक। तो जब फोर्स पीछे की तरफ लगा, तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है कहां लगेगा? आगे। मतलब कि आगे वाले चक्के पे फ्रिक्शन कहां लगा? पीछे। अब पीछे वाले पहिए पर कहां लगा फ्रिक्शन? आगे। तो बड़ा घाल में लोग हैं भाई, ऐसा तो पढ़े ही नहीं थे। ऐसा तो पढ़े ही नहीं थे। तो ये चीज याद रखना बच्चों कि जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स का भी देखना है और हमें डायरेक्शन का भी देखना है। ऑल राइट, चीज समझ में आई? उम्मीद है समझ में आई होगी। नहीं आया तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये आगे वाला पहिया ना आजाद है, इसको परेशान करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए अपनी आजादी से आगे जा रहे। तो फ्रिक्शन किधर लगा? पीछे। लेकिन ये पीछे वाला चक्का आजाद नहीं है, इसको किसी ने बांध के रखा है। किसने? पैडल ने, चेन ने, गियर ने। ठीक है। तो जब हमने इस पे फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा ना, ये इसको घुमाएगा, और जो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ, इसीलिए इस पे लगने वाला फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। बहुत बड़ा काम होने का हो गया। और यही क्वेश्चन, सेम डिट्टो सवाल एनडीए में आ चुका है, एनडीए में आ चुका है आप लोगों के लिए। फाइन, चलो ये तो हो गया फ्रिक्शन की बात। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें और क्या, ये रहेगा हमारा कि जब हम साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं ना, तो बड़े बूढ़े बोलते हैं बेटा अगला वाला ब्रेक नहीं मारना, जब गाड़ी तेज चल रही हो तो अगला वाला ब्रेक मत मारना। लेकिन हम लोग कभी कभी दिमाग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? दिमाग लगा देते हैं। और दिमाग लगाने से क्या होता है? पलट जाते हैं हम लोग, गिर जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वो मैं अब समझाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन है इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर दूं थोड़ा। ये है मेरा फ्रिक्शन। ऑल राइट, चलो चलो मान लो कि साइकिल चल रही है। साइकिल कितना चल रही है? 20 का स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। अब मारा ना हमने, जोर से मार दिया अगला ब्रेक, अगला ब्रेक मार दिया। तो अगला ब्रेक मारेंगे तो साइकिल रुकेगी। रुकने का मतलब कि जो ब्रेक ने लगाया फोर्स वो कहां लगा? पीछे की तरफ ही ना लगा भाई। तो ऑलरेडी फ्रिक्शन वहां लग रहा था और हमने और फ्रिक्शन बढ़ा दिया, इसीलिए ना तुरंत अचानक से साइकिल रुक जाती है पूरे फोर्स के साथ। ठीक है। लेकिन जब वही काम पीछे वाले ब्रेक में होता है, तो मैंने यहां पे ब्रेक अप्लाई किया, मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पे क्या होगा कि जो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा एफ डैश। तो ये एफ डैश पहले इसको खत्म करेगा, ये जो एफ है ना, एफ को पहले ये एफ डैश खत्म करेगा, उसके बाद काम करना चालू करेगा। इसीलिए पीछे वाला ब्रेक कितना भी ताकतवर हो, वो उतना इफेक्टिव काम नहीं करता है। इसीलिए हमें यह बताया जाता है कि बेटा जब साइकिल चलाओ, गाड़ी चलाओ, साइकिल में तो बच जाओगे, है ना, लेकिन जब हम लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं ना, मार दो अगला वाला ब्रेक, 40-50 की स्पीड से जा रही गाड़ी, मार दो आगे वाला ब्रेक, फिर बताएगा, है कि नहीं। और इसी पे क्या होता है कि जो स्टंट करते हैं ना बंदे, कुछ लोग होते हैं जो बाइक से स्टंट करते हैं, साइकिल से स्टंट करते हैं, वो आगे वाला चक्का पे ना गाड़ी को खड़ा कर लेते हैं, पीछे से गाड़ी ऐसे उड़ जाती है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विली, क्या बोलते हैं, विली। ठीक है, तो विली विली करते हैं, चक्का उक्का उठा लेते हैं, ये सब होता है इसी की वजह से, ताकि फ्रिक्शन दोनों चक्का मतलब आगे वाला पहिया पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है बच्चों ना, कि फ्रिक्शन एक दुश्मन है। क्या है? फ्रिक्शन एक दुश्मन है।
जैसे कि पंखा है, पंखा चलते रहता गर्म हो जाता है। तो होता क्या है कि पंखा में ना बॉल बियरिंग लगा रहता है, बॉल बियरिंग लगा रहता है, वो हम चाहते हैं कि पंखा का घर्षण घटा दें, पंखा का घर्षण घटा दें, फैन में जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है उसको घटा दें, ठीक है। अच्छा, तो जब भैया फ्रिक्शन दुश्मन हो गया ना, जब फ्रिक्शन दुश्मन हो गया तो यहां से भी फ्रिक्शन हटा दो। ये साइकिल है ना, साइकिल है, गाड़ी है, मतलब कार बाइक जो भी है, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन को हटाने की कोशिश करेंगे, फ्रिक्शन हटाने की कोशिश करेंगे। और फ्रिक्शन कौन दे रहा है, ये जो ब्रेक है ना हमारा, है ना, ये जो ब्रेक है, ब्रेक ही क्या करता है, हमें देता है फ्रिक्शन। ब्रेक क्या देगा बच्चों, ब्रेक देगा हमें फ्रिक्शन। तो घर में क्या करना ना, ब्रेक निकाल के फेंक देना, फिर साइकिल ले जाना चलाने के लिए। बच पाओगे, रुकना होगा यहां, जाके रुकोगे वहां, ठीक है। तो जब हम साइकिल चलाते हैं, जब ब्रेक लगाना होता है, तो जो फ्रिक्शन है वो हमारा दोस्त बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, दोस्त बन जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है, मतलब पढ़ा होगा पहले अगर किसी को याद हो तो, कहा जाता था कि प्रूफ करो, सिद्ध कीजिए कि घर्षण बल आपका दोस्त भी है और शत्रु भी है। फ्रिक्शन फोर्स इज योर फ्रेंड एज वेल एज योर एनिमी। तो होता क्या है कि जगह जगह, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तरीके से जब घर्षण बल काम करता है तो उसका महत्ता, उसका इम्पोर्टेंस, उसकी मतलब जरूरत अलग हो जाती है। जैसे कि अगर हम किसी बक्से को जमीन पे धकेल रहे हैं तो वहां पे हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन न लगे, ताकि हम कम फोर्स लगा के उसको धकेल सकें। लेकिन जब हम गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि साइकिल में ब्रेक रहे, गाड़ी में ब्रेक रहे, ताकि हम लोग जिंदा रहें, है ना। तो यही इंपॉर्टेंस होता है बच्चों, किसका, फ्रिक्शन का। और जितनी भी चीजें बताई मैंने, आई होप समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया मजेदार एग्जांपल था, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ऑल राइट, अब यहां पे क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो पहले हमने ये देखा था कि फ्रिक्शन कैसे कैसे होता है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पे जो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब कि वह तत्व, ठीक है, वह तत्व जो घर्षण बल को प्रभावित करते हैं। तो पहला इसमें क्या हो जाता है बच्चों, पहला है हमारा क्या, पिंड तथा सतह का खुरदुरापन, ये ना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने पहले ही समझ ली कि जब ये सतह का खुरदुरापन रहेगा, मतलब रफनेस रहेगा, सो दैट विल टेल यू द फ्रिक्शन इज मोर और लेस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब पिंड का आकार, चौकोर और गोल, समझ गए होगे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग जब इसका नियम पढ़ेंगे तो वहां पे होगा हमारा फ्रिक्शन ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। मतलब कि जो पदार्थ है, जो सतह है और जो पिंड है, उसके बीच का जो खुरदुरापन है, मतलब वो खुरदुरापन कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, वो पता चलता हमारा कहां से, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। अब जो हमारा अगला है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से बात करते हैं बच्चों, तो ये जब गोल पहिया रहेगा ना, तो यहां पे बहुत कम टच करेगा, तो बहुत कम टच करेगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। लेकिन अगर यही चौकोर हो जाए तो यहां पर संपर्क ज्यादा है, तो जब संपर्क ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। और अगला पॉइंट है जो हमारा, वो है क्या, मास ऑफ बॉडी, मतलब पिंड का द्रव्यमान। तो जो भी पिंड का द्रव्यमान है, ये जो चार पॉइंट, पांच पॉइंट है, ये इन बातों पे हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ऑल राइट, ठीक है, फिर विल मिलते हैं, थैंक यू ऑल। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें, विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com।